Independent Director, it's truly an honor to have your presence here. Sir, can you please introduce you, Manch Paraiye? Aapka hardik hardik swagat hai, sir. Sir, hume badi khushi hui hai, kyunki ek film mein जो आपने म्यूजिक भी दिया है, हर किस्म का म्यूजिक है इसमें, यू नो, इसमें इमोशंस का म्यूजिक है, पार्टी सॉन्ग है, हैप्पी सॉन्ग है, रोमांस है, एंड यू नो द वे द फिल्म इज बीइंग शॉट, हम बड़े एक्साइटेड हैं आज ट्रेलर देखने के लिए. प्लीज शेयर विद अस योर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. हेलो गाइस, ये जो फिल्म है एक म्यूजिकल तो फिल्म है, लव स्टोरी, पर एक फैमिली ड्रामा भी है. और ऐसे एक फिल्म है जो पूरा फैमिली बच्चे को साथ सभी लोग एक साथ बैठ के देख सकते हैं. इसका पापी डायरी म्यूजिक, पापी जी मेरे साथ बहुत पिक्चर में काम किए, आप लोग को याद होगा गीत गीत नाम चलाए थे जिसमें दिव्या भारती थी, उसमें इतना अच्छे गाने थे, याद भी होगा आप लोग को. उसके बाद दालाल पिक्चर आया था, दालाल का तो सबको मालूम ही है, गुटुर बहुत फेमस गाने थे. और बाकी तो उसका बंगाली फिल्म में गाने दिया है, वो भी का सबसे बड़ी है. बापिदा का एक सबसे बड़ी जो उनका गुण बोलिए या वो तो एक टैलेंटेड, बहुत ही टैलेंटेड है. वो बैठे बैठे ट्यून बनाते हैं और एक नहीं, एक ही गाने का कम से कम 10 वैरायटीज बना के आपको सुना सकता है उसी समय. ऐसे नहीं ये भाई हमें 15 दिन टाइम दीजिए, 10 दिन टाइम दीजिए, मैं गाना के लाता हूँ. बहुत ही टैलेंटेड आदमी है. हमारे ये जो फिल्म है, ये फिल्म में उन्होंने इतने खूबसूरत गाने, जो भी सब गाने अलग किस्म के हैं, अलग अलग लोगों की पसंद की गाने हैं, म्यूजिकल लव स्टोरी है, सैड सॉन्ग भी है, क्या अरमान मालिक का गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है. बापिदा खुद एक पिक्चर में, इस पिक्चर में गाने गाए जो पार्टी सॉन्ग है, जो खुद भी अभी बताया उन्होंने, पार्टी दम दम दम, वो भी कमाल के गाने हैं. और गणेश आचार्य जी वो कोरियोग्राफ किया और खुद उसमें वो पार्टिसिपेट भी किया उस गाने में, आप लोग देखेंगे ट्रेलर में. ये छोड़ के एक बहुत ही अच्छा कावाली टाइप का मुस्लिम ये था, अल्लाह अल्लाह तू ही तू, नहीं तू, बहुत सुंदर गाने, वो भी आप सुनेंगे. इस तरह सभी जगह पे बहुत सुंदर है. इस फिल्म को साथ हर चीज़ में जुड़े हुए हैं, मतलब ये नहीं ये कहानी को साथ तो वो कनेक्टेड नहीं है, सब कुछ कहानी तो साथ ही कनेक्टेड है. जो भी इस फिल्म के लिए हम ये बोल सकते हैं ये बहुत बड़े स्टार कास्ट इसमें नहीं है, पर जो भी है सब लोग अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे काम किया है. और हमारे हीरो थी, इसका पहले भी उन्होंने फिल्म किया, पर ये फिल्म में उसको बहुत ही कमाल की उन्होंने खुद को प्रदर्शित किया. हीरोइन मदालसा शर्मा बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत फिल्में आए भी हैं उसका, और ज़्यादा साउथ का हुआ है, यहाँ पर दो तीन फिल्म आए, वो भी बहुत अच्छे हैं. ये छोड़ के अविनाश वधवान, हेमंत पांडे, दीपू श्रीवास्तव, एहसान खान और भी ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छे काम किए. टोटलिटी में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये फिल्म सब लोग बैठ के देखने के लिए इंटरेस्टिंग एक फिल्म है, जो म्यूजिकल भी है, फैमिली ड्रामा भी है और कुछ थोड़ा सस्पेंस भी है, छोटे छोटे टुकड़े में सस्पेंस भी नहीं है, पर एक इंटरेस्ट क्रिएट रखने के लिए उसको आगे बढ़ाया गया. एनी हाउ हमारे जो प्रोड्यूसर के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है मंजू भारती. मंजू भारती एक डायनामिक लेडी है मेरे हिसाब से. मैंने ऑलवेज बोलता हूँ मंजू तुम कुछ भी कर सकते हो जो इम्पॉसिबल है, उसको पॉसिबल करना अगर कोई जानता है तो हमारे प्रोड्यूसर मंजू भारती. वो जिस तरह इस फिल्म ने वो मेहनत किए हैं, कितने ऑब्स्टेकल्स आए हैं क्योंकि हम एक बड़े स्टार नहीं थे, तो उसको किस तरह उसने मतलब बहुत शांति से डील किए हैं और अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं और रिलीज भी वो करेंगी और बहुत अच्छी तरह रिलीज करेंगी, खुद का प्रेडिक्शन है.
तो मुंजू भट्ट जी एक आइडिया है मेरे सामने, जे एक लेडी अकेला कैसे करके एक फिल्म को बनाने के लिए पूरा उसका मेहनत और उसका समय दिया है, तो इसके लिए कम से कम मंजू भट्ट के लिए क्लैपिंग हो रही है। बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब लोग बताएंगे और हम आप देखेंगे भी, हम मेकिंग भी एक बनाए हम लोग फिल्म का, वो भी आप देखेंगे, बाकी तो ट्रेलर देखेंगे। तो ओके, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, होप जे पिक्चर लोगों को पसंद है। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप कुछ पल के लिए रुक जाएं, क्योंकि आपने जिनकी इतनी तारीफ की है लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी। वो मुझे मिले थे लगभग 1 वीक बैक एक अवार्ड्स फंक्शन में, और उन्होंने मुझे कहा कि उनका लॉन्च हो रहा है, मुझे बुलाएंगे वो। तो उन्होंने कहा फिल्म का लॉन्च है, मुझे तो लग रहा था कि वो एक्ट्रेस प्ले कर रही होंगी ऑब्वियसली। और आज जब मैं यहाँ पर आई जेडब्ल्यू मैरियट में, तो पता चला कि वो प्रोड्यूसर है। मैंने कहा आप प्रोड्यूसर हैं? मैंने उनको ऊपर से नीचे देखा, जैसे उन्होंने रूम का दरवाजा खोला तो हंसने लगे। मैंने कहा दिस इज अनबिलीवेबल, आई रियली हैव टू कम अक्रॉस समवन हु सो डायनामिक, सो लवली, सुपर अमेजिंग, एंड मुझे नहीं पता क्रू को कितना मजा आया होगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरीवन इन द हाउस, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वेरी गॉर्जियस। वैसे हम प्रोड्यूसर के लिए ऐसे नहीं कहते शब, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, बिकॉज शी ट्रूली इज कंप्लीटली स्टनिंग inside out. Please put your hands together for Miss Manju Bharti, the producer of Mausam Iqraar Ke Do Pal Pyar Ke. How are you doing this evening, Miss Manju? Or well, either अलग बात हो रही है ना, वैसे लोगों की तारीफ होती है, क्रू की तारीफ होती है, इधर प्रोड्यूसर की तारीफ होती है। प्लीज ओवर टू यू मंजू जी। इससे पहले कि मैं आप सवाल पूछूं, मुझे बताइए हाउ आर यू फीलिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एवरीवन, और मैं बहुत बहुत दिल से सबको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सबने इतना प्रीशियस मोमेंट हमारे साथ शेयर किया और अपना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों को दिया। मैं यहाँ आई एंटायर टीम दो पल प्यार के की एंटायर टीम को दिल से थैंक्स बोलूँगी कि सबने ड्यूरिंग द फिल्म मेरी सपोर्ट की। और माई हार्टिएस्ट थैंक्स टू पार्थो दा, he's the strongest pillar because he's the captain of ship, और उन्होंने मेरी हर feelings को समझा। और जैसे जैसे film progress हुई, so मेरे बहुत सारे inputs दादा ने रखे, जैसे कि मुझे बहुत डर लगता था because he's a legendary director, और मुझे industry में सब लोग बोलते थे कि इतने बड़े director हैं आप, उनके साथ कैसे काम करोगी, but मुझे दादा ने कभी ऐसा feeling ही नहीं कराया कि मैं न्यू हूँ उनके लिए। उन्होंने हर एक चीज़ मेरी शेयर की, जो भी मेरे इनपुट्स थे, जो भी मैंने अपने तरफ से दादा को शेयर किए, दादा ने वो उसकी वैल्यू रखी, और आज फिल्म कंप्लीट हुई है। सो दिस क्रेडिट गोज़ टू पार्थो दा। और जो सेकंड मेरे बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टिव हैं पप्पी लहरी, पप्पी दा हमेशा मुझे एनर्जी देते हैं, और हर एक जहाँ भी हम अटकते हैं दादा से बात करते हैं और दादा उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और दादा ने बहुत ही वंडरफुल म्यूजिक फिल्म में दिया है, सो बहुत ही वेरिएशन है फिल्म में। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो कॉन्सेप्ट भी बहुत स्ट्रांग है, और म्यूजिक की बात करूँ तो म्यूजिक भी बहुत स्ट्रांग है। उसके साथ साथ आई हैव अ वंडरफुल टीम विद मी, जैसे कि मैं बात करूँ दीपू जी की, ही इज़ अ सच एन अमेजिंग पर्सन जिन्होंने मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट किया। और अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, जैसे कि आप जानते हैं कि एक फिल्म की जर्नी क्या होती है, और उसके साथ साथ एक प्रोड्यूसर की जर्नी भी क्या होती है, सो डेफिनेटली बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ हम यहाँ खड़े हुए हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, और वो अप्स एंड डाउन्स को अप ले जाने का काम किया है मेरे बहुत ही डियरेस्ट फ्रेंड मिस्टर एस के अग्रवाल जी। सो मैं थैंक बोलना चाहूँगी दिल से, और बस मैं यही चाहूँगी कि ऐसे ही मुझे मेरे कैरियर में सपोर्ट मिलती रहे। जैसे बीच में भी आप सबने देखा होगा कि फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया था हम लोगों ने, और लॉन्चिंग पे फराह खान जी आई थी। सो इस तरीके से हर एक पर्सन मुझे सपोर्ट कर रहा है अभी तक, और ये जर्नी कंप्लीट हो रही है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि ये फिल्म की रिलीजिंग बहुत अच्छी हो। और मेरे एक और फ्रेंड यहाँ हैं अजय जी,
जिनकी मेरे मुझे हमेशा से सपोर्ट मिली है और ये सपोर्ट मुझे डेफिनेटली मेरे टारगेट तक ले जाएगी, ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है. सो रियली थैंक यू सो मच टू एवरीवन. थैंक यू सो मच. क्या बात है. और पार्थो सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लेडी प्रोड्यूसर से थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आपको तो इतना एक्सपीरियंस है, तो वॉज इट वेरी इजी? नहीं, मैं और भी लेडी प्रोड्यूसर से काम किया हूँ. जी जी जी. मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि मैं बहुत एडजस्टेबल हूँ. मैं मतलब वो ईगो में खड़ा नहीं रहता. अच्छा. मैं कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं ऑडियंस प्रोड्यूसर को ही बोलता हूँ कि मुझे शेयर करिए, तो मैं हो सकता है कोई रास्ता आपको निकाल के दूँ. तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और इतना लगभग ऑडियंस हंसते रहते हैं. आपके लिए एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जो हमारे द वन एंड ओनली द किंग ऑफ बॉलीवुड किंग खान है, जिन्हें हम कहते हैं इज सिनोनिमस with the king of romance, it has to be only one, the very dashing and the most handsome in the world, Shahrukh Khan ji. So I'm going to ask you, ma'am, ki unki films mein teen cheezein bahut important hain. First is ki unki films bahut colorful hoti hain. Second is unki films bahut melodious hoti hain, bahut hi beautiful sa musical hota hai. And the third and the most important is that unki films mein bahut sara romance hota hai. और आपकी फिल्म में ये सारी चीजें हैं एंड आपकी रिलीज डेट ऑफ द फिल्म आल्सो हैपेंस टू बी ऑन हिज बर्थडे, दैट्स द 2nd ऑफ नवंबर. तो ये इंटेंशनल है, इसमें कुछ राज है कि बस इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस की हो गई? डेफिनेटली वी आर डेडिकेटेड दिस फिल्म टू एसआर की जी. ही इज अ रोमांटिक हीरो, ही इज अ किंग ऑफ रोमांस और हमारी फिल्म भी रोमांटिक है. सो डेफिनेटली वी आर डेडिकेटिंग टू एसआरके जी. ये फिल्म उनके बर्थडे पे रिलीज हो रही है और हमने बहुत प्लानिंग के साथ ये डेट चूज की कि रोमांटिक फिल्म है, फैमिली एंटरटेनर है, सो सबको एक एनर्जी दे, प्यार दे. इस उस तो वो डेट से अच्छी डेट हमारे पास कुछ थी नहीं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यस, इट्स अ डेडिकेशन टू द किंग ऑफ बॉलीवुड, द किंग ऑफ रोमांस, जिन्हें हम सब इतना प्यार देते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन द कंट्रीज. वी आर ट्रूली ट्रूली ऑनर्ड. द फिल्म रिलीज डेट इज नवंबर 2nd और इसका म्यूजिक लॉन्च है ऑन द 15th ऑफ अक्टूबर. एंड बिफोर आई टेक टेल यू ऑल टू टेक द सीट, सिर्फ मैं वेरी वेरी डायनामिक हैंडसम हंक को बुलाना चाहूंगी जो हमारे हीरो हैं फिल्म के. वेल, द सुपरस्टार ऑफ द फिल्म, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर मुकेश जे भारती. Hi Mukesh, how are you? You're looking so handsome. I feel great being next to you. Let me strike a pose with you first. Thank you. Thank you. How are you feeling? Or mujhe bataiye, how was the experience, yeah, working with a lady producer and such a great role that you have, itna handsome role? Aur Anjali ke bare mein bhi kuch bataiye. Anjali ke bare mein baat karne, feeling to bahut achhi hai. Oh, really? Sirf achhi. सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, पर रियली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला काम करने का. और मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा कि दादा का जो काम करने का जो और कराने का जो तरीका है वो मुझे बहुत बहुत पसंद आया. मैंने तो कोशिश, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, पर दादा हर पल हर वक्त जो है एक हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जो पिक्चराइज करवा रहे थे और जो गाइड कर रहे थे, वो अंदाज मुझे बहुत पसंद आया हमारे पार्थो दा डायरेक्टर साहब का. मुझे बताइए, यू आर प्लेइंग द किरदार ऑफ अमर. अमर, सो हाउ क्लोज आर यू टू द कैरेक्टर? बहुत आप इतने रोमांटिक भी हैं सच्ची लाइफ में, स्पेशली आजकल के जमाने में जब लोग कहते हैं यार प्यार इश्क मोहब्बत फिल्मों में ही होता है, रियलिटी में नहीं होता. एग्जैक्टली. इतनी देर से जो है रोमांस की बातें हो रही हैं यार, मैं सुन रहा था एक्चुअली कि अपने किंग साहब का भी बर्थडे है 2 तारीख को और फिल्म भी जो है हमारी रोमांटिक फिल्म है,
सच बात बताऊं तो शूट पे जिस तरीके से दादा ने जो पिक्चराइज किया है इस ब्यूटीफुल सॉन्ग, मैंने तो बहुत आनंद लिया. दादा को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि दादा ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई. अभी कुछ समय पहले दादा ने एक टेक्निकल इशू दिखाया था तो मुझे बहुत पसंद आई पिक्चर. और हमारे हर फिल्म में जो कलाकार हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से भूमिका निभाई और म्यूजिक तो है ही बहुत अच्छा. थैंक यू सो मच. और मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ दो मिनट हम फोटो ऑप्स कर लें विद द एंटायर क्रू और फिर जो हमारे स्पेशल डिग्निटरीज आए हैं उसके बाद आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली टेक योर सीट. सो कैन आई प्लीज इनवाइट अपॉन द क्रू ऑफ द फिल्म एंड हमारे साथ दीपू जी भी हैं. दीपू जी कैन यू प्लीज हैव यू हियर. वी विल आल्सो लाइक टू इनवाइट दीपू जी. कैसे लग रहे हैं? यू लुक लाइक योर ब्रदर ओनली राजू जी. मेरा जो लाइफ का पहला शो था वॉज विद राजू सर. So I'm really, really very lucky to be with him or thereafter everything began. So we're going to have a photo op. I want to talk to the entire crew first. So can we please have all of you here? Shayad kuch log aa rahe hain, wo raste par hain, but they're on their way. They should be here very, very soon. Meanwhile, take a few names. It's okay. Papers girte rahenge, that's fine. Can we please have the most important thing, that is the content, Rishi Azad ji. How sweet. Can you please have Rishi ji aa gaye? Aap bolte ho khata ho. Rishi. Okay, so I keep on dropping them. Ji haan. Can we have jo most important hota hai screenplay writing. Tarun, hamare jo lyrics hain wo hain by Dr. Deepak Sneh. Can we please have you here? He's here. Can we please have you here? Kya Thank you, sir. Yeah, thank you. Very kind of you, sir. Can we have Jojo Khan, Uri Seth? We also like to invite on our actor Avinash ji is here. Avinash Vardhan, has he come? And Arun ji. So maybe they are still on their way. आपसे request करूँगी एक photo op हो जाए आप लोगों का before I talk to Deepu ji or Deepak ji से बात करूँगी उससे पहले आप लोगों का photo op हो जाए. So ladies and gentlemen, can we hear some loud round of applause for Mausam? Well, सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, इतना musical लग रहा है. I'm really very very eager and desperate to take a look at the trailer. और इसका जो बहुत ही important party song है, हम उसकी भी एक झलक आपको जरूर दिखाएंगे in our audio visual. So thank you so much. I request our respected producer, our respected director, जी और दीपू जी से बात करना चाहूँगी दो मिनट के लिए. Before दीपक जी, आप लोग थैंक यू दिस आपने लिखी है और मैं चाहूंगी कि आप हमसे दो शब्द बात कीजिए बिफोर आप अपनी कुर्सी ले लें प्लीज. थैंक यू सभी को मेरा नमस्कार. गुड इवनिंग. आई हैव नो वर्ड्स शब्दों से जिनके लिए गाने पॉसिबल हुए. I was like before the movie started, I didn't know how it would go on. He's such a nice person, such a well understanding man, jinki depth, inshallah, dekhte hi hai. Manju ji, first time jab humne ye gaana shuru kiya tha aur do log likhe the logo like Shivam like and second time came the temple back. Okay, thoughts, wonderful, wonderful, wonderful. And one person whom I have never forgotten in my life is Mukesh ji. I mean, he's dear to my heart. I really wish he, aap logo ki aashirwad se this film make waves, and I'm sure it will make waves. Thank you. Thank you so much, so kind of you. Well, ladies and gentlemen, itna bhi bata do that we are truly, truly honored that is film mein also our first lady of Maharashtra, ji haan, Shrimati Amrita Fadnavis ji ne bhi gaya hai.
Wow, what a great feeling. I mean, yeah. And she has a great voice. And besides that, we have Pallab Mucha Alwa, the sensational voice. I mean, brilliant, brilliant music here. And congratulations to you, sir. It's pretty awesome. Wow, that's super awesome. Sir, I'd like to escort you and request you to kind of take your seat. Thank you so much, sir. Please. And क्योंकि दीपू जी से हमें बहुत मस्ती भी करनी है मजाक भी करना है तो इसलिए आपको लास्ट रखा मैंने कहा मेरे पेपर्स गिरते रहेंगे तो वो पिकअप भी कर लेंगे तो इसलिए उन्हें मैं एंड तक यहाँ पर रखी सो दीपू जी टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस अरे सब सुनने के बाद बस इतना ही कहूंगा एक लाइन में कंट्रोल नहीं हो रहा है 2 नवंबर का वेट करना है बस अपने लिए इतना सुनने के बाद अब कुछ बोलना रह नहीं गया बस इतना कहूंगा कि जो भी मैंने पहले काम किया लेकिन फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर हमें लेडी मिली और वो भी इतनी सुंदर मंजू जी को खुद नहीं मालूम कितनी सुंदर है वो और मंजू जी की सुंदरता के लिए ये तो शूटिंग में कभी कभी सुबह 1 घंटे पहले आ जाते थे कि ज्यादा देर तक हम लोग रहे हाँ और रात में 11-11 बजे तक शूटिंग करते थे हम लोग मैम देखिए क्या कह रहे हैं अब फिल्म की शूट तो हो गई अब तो कुछ हो नहीं सकता कास्टिंग तो हो गई है शूटिंग भी कंप्लीट हो गई है पोस्ट प्रोडक्शन और क्या रहे आप भी कुछ बता दो ये बहुत अच्छी अब मुझे आपने छेड़ा है तो बहुत अच्छी एंकर है बहुत अच्छी आर्टिस्ट है इन्होंने कम समय में बहुत नाम किया है और इनको बच्चा बच्चा इनको नाम से जानता है अब ऐसे क्या नाम आपका वैसे आप ही जानते हो राज मेरा नाम क्या हो सकता है और सिमरन ही हो सकता है राज अर्थोदा जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस फिल्म में लिया और इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ और मुकेश भारती जी के दोस्त की भूमिका निभा रहा हूँ मंजू जी ने एक्टिंग किया बताया कॉलेज फ्रेंड्स है मैंने कहा कि ना वो डांस पास करने वाली हूँ मैं आप लोग कॉलेज फ्रेंड्स हैं ना हाँ रिलैक्स तो नहीं किया आपने चांस तो नहीं मारा तो नहीं 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 मंजू जी और मैं मुकेश जी के दोस्त बने हैं कॉलेज फ्रेंड और पूरी फिल्म में बहुत मस्ती की नैनीताल मुरादाबाद कई जगह उन्होंने शूटिंग किया बहुत मस्ती एक बार फिर से मैं प्रोड्यूसर दोनों को धन्यवाद दूंगा पार्टनर को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे लिया और फिल्म अच्छी बनी है और बस वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी दो लोगों पर आए और हम लोग देखें और एक तारीख अपने अंदाज में कर दूँ हाँ जी मैं ऑलरेडी अपना मुंह झुका लेती हूँ इतनी हसीन हो आप खुद को दुनिया की नजरों से बचाया करो इतनी हसीन हो आप खुद को दुनिया की नजरों से बचाया करो आंखों में काजल लगाना ही काफी नहीं गले में नींबू मिर्ची भी लटकाया करो वाह 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 क्या बात क्या बात क्या बात इट्स वंडरफुल अच्छा सर आप तो सारे डांस फास्ट कर रहे हैं आपको तो मार पड़ने वाली है प्रोड्यूसर से वो तो भी वो एक्चुअली इसलिए करने की कुछ तो हो मार तो पड़े कुछ तो हो प्रोड्यूसर के साथ ना या उन्हें सिर्फ रिलेशन रखना है सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच दीपू जी एंड वंडरफुल हैविंग यू हियर और थैंक यू सो मच अगर मुझे से मेरा पन्ना गिर जाए तो प्लीज थैंक यू सो मच फॉर दैट वेल लेडीज एंड जेंटलमैन इट्स टाइम फॉर मी टू मैं बहुत बहुत प्रेजेंटिंग लेडीज एंड जेंटलमैन द ट्रेल लॉन्च ऑफ सॉरी Let's put our hands together, each and every one of you, for the trailer launch of Mausam Iqraar Ke Do Pal Pyar Ke. So let's hear it for a film by the very dynamic young producer, Manju Bharti Ji, directed by Partho Ghosh Ji, a veteran director. Music by Mr. Bappi Lahiri, of Bappi Da. Produced by, once again, The very ravishing Manju Bharti Ji, as she's also a part of a very small cast. We'd also like to thank our associate producer, Rekha Soni, co-producer, BNH Films, assistant co-producer, Kalurang Purohit, story written by Rishi Azad, dialogue screenplay by Tarun Mathur, star cast. A whole hearty congratulations to entire star cast for the film. Starting from Mukesh J. Bharti and the lovely actress that's Badalsa Sharma, jise aap bahut jald milenge 15 tarikh ko. And I must say, and we must come, we have the captain of the ship, we have the producer, we have the music director, we have the lyrics writer, sabki entry ho gayi aapke intezaar mein ke sir. Aur aap live dekh sakte hain Facebook par, maine already kaha tha ki Arun ji to zarur aayenge.
नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद। इस फिल्म को ब्लेस कीजिएगा क्योंकि दिस इज मेड बाय अ लेजेंडरी लेजेंडरी पार्थोदा। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू पार्थो। पार्थोदा प्लीज कम। आज बहुत हैंडसम लगते हैं, नई शर्ट पहन के आए हैं। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू पार्थोदा। ही इज अ वंडर। अपनी कुतालियों में कुताही कंजूसी तो चाहिए। क्या है कि पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदा इस महफिल को महफूज रखे, खुदा इस महफिल को महफूज रखे। ये बच्चों की तरह हस्ती बहुत है। मैं एक लम्हे पे सदियां देखता हूं, तुम्हारे साथ एक लम्हा बहुत है। इस फिल्म में कुछ खास बात है। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारी फिल्म के हीरो हैं, मुकेश भारती, और इनके मल्टीपल काम थे शूटिंग में। इधर गिटार बजाते थे और दिमाग उनका चलता था प्रोडक्शन में। खाना मिला कि नहीं मिला, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। एंड सेकेंड जो खास बात यह है कि हमारी जो प्रोड्यूसर है वो बहुत खूबसूरत है। जरा जोरदार ताली दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि शी सैक्रिफाइस्ड, शी इज हीरोइन मटीरियल। इन्होंने अपने साहब के लिए, मुकेश जी के लिए, अपने आप को दो कदम पीछे किया। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इन्होंने मुकेश जी को आगे किया और पूरी तरह से सारे यूनिट का ख्याल किया। ताली तो बनती है, कितनी खूबसूरत है यार, ताली ना बढ़े ऐसा मतलब है। इतने अच्छे और खूबसूरत जो हमारे प्रोड्यूसर हैं बहुत कम होते हैं। और इस फिल्म की बहुत कमाल है, स्मॉल फैमिली, इट्स अ स्मॉल ब्यूटीफुल फैमिली। उसमें जो लेजेंडरी हमारे डायरेक्टर साहब हैं, इनका नाम ही काफी है। जब भी किसी चीज पे हाथ रखते हैं उस पर बरकत पड़ जाती है। हमारे दादा पार्थोदा, इनका अगर पास्ट खुलेदा जाए तो सिर्फ सुपर हिट फिल्में ही हैं। और आज का जो मैं देखा हूँ, इट वॉज अ फैंटास्टिक। भगवान करे फिल्म में बरकत पड़े और ये फिल्म अच्छी जाए, ताकि मंजू जी आगे भी जाके अच्छी फिल्में बनाए। और बरकत पड़े हमारे दादा के लिए और बरकत पड़े हमारे मुकेश जी के लिए। तालियों से, दिल से तालियों से स्वागत कीजिए इस छोटे से यूनिट का। और एक बात और कहना चाहूंगा, मेरी दो दिन की डेट ली गई थी इस कव्वाली के लिए। हालात कुछ ऐसे हो गए जिनको बताना जरूरी नहीं है। ऐसे कुछ बुकिंग का था वो जहां पे हम शूट कर रहे थे, राइट दादा, इजाजत है, जहां पे हम शूट कर रहे थे उन्होंने कुछ समय का कुछ लोचा आया। दो दिन का काम 3 घंटे में किया गया। 1 घंटा दादा ने मेरे बगैर शॉर्ट्स दिए और मुझे कहा गया कि 1.5 से 2 घंटे हमारे पास हैं, इसके बाद मंजूरी नहीं है हमारे पास जहां शूट कर रहे हैं। हमने ये सारी कवाली जो है 2 घंटे में किया। एंड हैट्स ऑफ टू माय डायरेक्टर। और इतनी खुशी हुई, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे जरा सा भी वो दिया कि जल्दी है या ये है, मैं भूल रहा हूँ ये। जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो अल्लाह मियाँ वापस आते हैं, आके बरकत जाते हैं। भगवान करे, अल्लाह करे, इस फिल्म पे बरकत पड़े और ये फिल्म बहुत अच्छी जाए, ताकि इनको और भी अच्छी फिल्में बनाने के लिए ऊपर वाला आशीर्वाद दे। थैंक यू वेरी मच। Not the least, हमारी होस्टेस बहुत खूबसूरत है। Thank you so much, Arun ji. ताली तो बनती है। उस तरफ से भी तालियां बनती हैं। Thank you very much. Thank you, God bless you. Thank you so much, Arun ji. आपने इतनी blessings दी और आपने जो कहा कि yes, it's by the grace of Allah. 2 hours, it's unbelievable. I think it's just not possible, and that too to shoot a Sufi song. No, it can be possible when the boss is yes, Dada. Yes. So let's hear it. A loud round of applause, ladies and gentlemen, for the entire crew to make it possible.
दादा जो है वो दादा भी हैं, फिल्म के परदादा भी हैं, और ये फिल्म के सबसे छोटा काम करने वाले भी हैं, मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, राजा की तरह रहते हैं, और राजा की तरह रहते हैं, ब्लेस करते हैं फिल्म को, इस आदर रखा है भगवान का कृपा का। मैम, कैन यू प्लीज, जो हमारी प्रोड्यूसर मैम है, वाज वेरी हैप्पी दैट यू मेड इट पॉसिबल फॉर अस मच, और सिंस आप कब से बैठे हैं यहाँ पर, आप बहुत जल्दी आए थे, मैं आपसे पूछूंगी कि आपने मेकिंग ऑफ द फिल्म तो देखा है, ट्रेलर बाकी आपको कैसे लग रहा है यहाँ पर, प्लीज। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ट्रेलर भी देख रही थी, सबके एक्ट भी देख रही थी, और जब वो लोग फन कर रहे थे तो उनके साथ साथ मैं भी हंस रही थी, मुझे लग रहा था कि वहाँ पर मैं भी हूँ। नेक्स्ट कास्टिंग आ गई मैम, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अरुण से आए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए उनके बातें सुनकर, उनके ब्लेसिंग को सुन के बहुत अच्छा लगा। और बाकी बाकी ऑडियंस सब जानते ही हैं, हीरो भी बहुत अच्छे हैं, हीरोइन भी बहुत अच्छे हैं, हालांकि हीरोइन जहाँ से बिलोंग करती है बगान से, वो भी मैं भी वहीं से हूँ, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड वी मस्ट से वी आर वेरी ऑनर्ड बाय योर ऑडियंस, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, एंड आई एम श्योर बिकॉज यू नो मैम मुझे कब से कह रही है उन्हें बुलाना, उन्हें बुलाना है, शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी। मैम आप दो शब्द कहना चाहेंगे इनसे, यू जस्ट वांटेड हर टू बी विद अस हियर ऑन स्टेज? दो शब्द नहीं, मैं बस एक ही शब्द कहना चाहूँगी, वो है थैंक यू, क्योंकि इतना प्रीशियस मोमेंट, इतना हमारे लिए एक ग्लैड मोमेंट है, और उसमें आप शरीक हुए हैं, सो उसके लिए मैं तहे दिल से थैंकफुल हूं। थैंक यू सो मच मैम, एंड सिंस मैम इज हियर, आई विल रिक्वेस्ट यू काइंडली फेलिसिटेट हर फर्स्ट बिफोर वी इनवाइट द डिग्निटरीज फॉर द फेलिसिटेशन। मुझे माफ़ कर दीजिए, आई रियली वॉज अनअवेयर ऑफ हर नेम, लेकिन इनका नाम सुनने के बाद मुझे कुछ हो रहा है, इनका नाम भी उनकी तरह लाजवाब है, इट्स हसीन जहां। आई थिंक पूरे जहां में सबसे ज्यादा हसीन है तो हसीन जहां है, क्या नाम है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, थैंक यू मैम, यू आर ट्रूली ट्रूली ऑनर्ड टू हैव योर प्रेजेंस हियर, कैन वी प्लीज रिक्वेस्ट श्री एस के अग्रवाल जी टू बी विद अस हियर ऑन द स्टेज, वी लाइक टू फेलिसिटेट यू सर, प्लीज सर, प्लीज आ जाइए सर, आपका इतना प्यार, इतना सपोर्ट रहा, जस्ट अ स्मॉल जेस्चर, स्मॉल बुके ऑफ फ्लावर्स टू शेयर आवर स्वीट मेमोरीज। Thank you very much once again, S.K. Agarwal ji. मैं अनुपना चाहूंगी श्री अजय गोसालिया जी को, हमारे साथ हैं श्री अजय गोसालिया जी सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, ट्रूली एन ऑनर टू हैव यू हियर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव दैट यू गिवन अस। अशोक ही जी यहाँ पर आए हैं, वो रस्ते पर हैं, शायद कुछ देर में आ जाएंगे, वैसे जब मैं प्रोड्यूसर्स की बात करती हूँ, यस सर, वी अरुण सर रिक्वेस्ट यू टू फेलिसिटेट द कैप्टन ऑफ द शिप, जिनकी विजन, जिनके बिलीफ के बगैर, जिनके फोन के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है सर, फोन पर है कुछ पद के लिए, बट वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली फेलिसिटेट आवर कैप्टन ऑफ द शिप, our legendary veteran director Partho Ghosh sir, please sir, take a look at the mic. Dada, keep smiling, darling. Thank you,
ये इलाका रेगिस्तान है, कोई ताली नहीं बजती यहाँ. That's it. She's on her way. So friends from the media, आप लोग please जाए कीजिए. बारी बारी